नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ज्यूरी सराहन सड़क पर लैंडस्लाइड, यातायात पूरी तरह से प्रभावित। नौकरियों पर मंडराया खतरा। पेपर लीक मामले का रिव्यू करने हमीरपुर पहुंचे डीआईजी विजिलेंस। सोलन में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। चार दिन बाद मिल रही रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। रामपुर बुशहर के ज्यूरी सराहन रोड पर सुबह 4:30 बजे के करीब लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक दो छोटे वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइड के पश्चात लोक निर्माण विभाग घटनास्थल पर उपस्थित है और 2 GCB रोड खोलने के लिए लगाई गई है। 4 बजे। तो सर आपको कितने बजे खबर मिली इसकी? सुबह के कम से कम 5-1 बजे के यहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसे ऐसा यहाँ पर बंद हो गया। वैसे हम तुरंत आए जी साइड पर। साइड पर से जैसे हम आए और मशीनों को प्रोवाइड किए जी, 7 बजे हमने मशीनों को लगा दिया जी यहाँ पर। तो कितने बजे तक ये खुल जाएगा? ये मैम 1-2 घंटे के अंदर हम खोल देंगे, इसको बहाल कर देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। कोरोना काल के दौरान आउटसोर्स आधार पर अस्पतालों में रखे गए कर्मचारियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कंपनी को दिए गए टेंडर की समय अवधि पूरी हो चुकी है, जिसके चलते अब कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इस दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों ने सेवा विस्तार व भविष्य में स्थायी नीति की मांग मुख्यमंत्री सुक्खू के समक्ष रखी। जी मैम, सबसे पहले अपना स्टाफ नर्स आई हूँ, कोविड वॉरियर की स्टाफ नर्स है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए सरकार जो है कुछ पॉलिसी बनाई जाए और हमारे लिए एक्सटेंशन के साथ साथ पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हम जो है, हमने कोविड काल में इतना काम किया है, हमने 6-6 घंटे पीपी किट पहनी है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। वो क्यों नहीं मिल रहा है हमें? सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार किस बेस पे हमें टर्मिनेट बोल रही है कि आप आज मतलब 31 मार्च तक हमारा एक्सटेंशन था, फिर बोल रही है कि आप जो है घर बैठ जाओ? किस बेस पे, क्या पर्पज है सर? हमें भी पता चलना चाहिए ना। हमने जब कोविड काल आया तब बोला कि भाई स्टाफ नर्स की जरूरत है, तब हमने काम किया, 2.5 साल हो गए हमें काम करते करते, तब तो किसी ने नहीं बोला ऐसा हमें कि आप घर बैठ जाओ। हमने अपने बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ा, फैमिली छोड़ी है, तब कहाँ गई ये सरकार? तो मंत्री से हम निवेदन करेंगे कि हमारे लिए जो है वो एक्सटेंशन बढ़ाए और हमारे लिए पॉलिसी बनाए, पर हमें एक जॉब सिक्योरिटी दी जाए, ताकि हमें ना डर नहीं बैठा रहे कि हम 3 महीने के बाद बाहर निकल जाए। हमें यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। बाकी हम आगे पॉलिसी बनाने की हम आगे कदम उठाएंगे, पर सबसे पहले हमें ये है कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिल जाए सबके लिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि मेडिकल कॉलेज स्टाफ नर्स नहीं, सफाई कर्मचारी के लिए भी, वार्ड अटेंडेंट के लिए भी, सबके लिए मिले। जी नमस्कार जी, मेरा नाम हेमलता है और मैं मेडिकल कॉलेज नीर चौक से आई हूँ जी। आज हम सचिवालय में पूरे हिमाचल से और डिस्ट्रिक्ट से सभी कोविड वॉरियर स्टाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी जो आज एक मुख्य मांग है वो है हमें हमारी जॉब को लेकर, ये जो हमारा एक्सटेंशन है उसको लेकर। हमारी जो अनुबंध काल था वो पिछले कल 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है, तो अभी तक जो है हमें आगे के एक्सटेंशन के ऑर्डर अभी तक नहीं मिले हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज ही हमारे एक्सटेंशन के ऑर्डर दिए जाए और आगे को हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। हमें इस तरह की एक्सटेंशन व एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें जो है हमारी जॉब सिक्योरिटी चाहिए और हमारे लिए कोई अच्छी सी पॉलिसी और ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कल दिन को, जिसके अंदर जो है RMP रूल आए और हमें एक टाइम रेगुलर होने का मौका भी मिले। हम ऐसी पॉलिसी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं जी। इसके लिए मैं
पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है, क्योंकि उस टाइम पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी हमें एक जॉब सिक्योरिटी दी थी, बट जैसे ही हमारा जो सरकार है वो चेंज हुई, हमारी अभी कांग्रेस की सरकार आई है, तो अब सी बात है कि सब कुछ चेंज होता है न्यू सरकार आने पे। तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पिछली सरकार ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया या इस सरकार ने ऐसा किया, पिछली सरकार ने भी हमारे लिए प्रयास पूरे किए, और अब हम जो प्रेजेंट की सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी कुछ जॉब सिक्योरिटी दो और हमारी पॉलिसी जल्द से जल्द बनाई जाए। सर ने हमें पीटर हॉब में पिछले मंथ भी यही अवगत किया था कि आपके लिए हम पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं, पर इसके लिए समय चाहिए। तो सर ने हमसे एक डेढ़ साल का समय मांगा था। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है फिर से, हम एक डेढ़ साल का, अब दो साल का भी हम टाइम देते हैं, लेकिन तब तक हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, बस यही मुख्य मांग है हमारी। जी मैम, सबसे पहले ये बताएं कहाँ से आप आए हैं और आज राज्य सचिवालय आप मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे हुए क्या कर रहे हैं? मैं नेचौक मेडिकल कॉलेज में एज अ स्टाफ नर्स अपॉइंटेड हूँ, और मैं आज यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि कल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया है 31 मार्च को। तो आज मतलब जैसे हमें शाम को इन्फॉर्म हो गया है कि हमें टर्मिनेट कर दिया गया है, तो हम अपने अपने विचार जो हैं, अपने व्यूज़ हैं, हमारी पॉलिसी से रिलेटेड हम वही रखने के लिए आए हैं। हम हमारी अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बस यही मांग है कि वो हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करें। हम इस तरह की सिक्योरिटी चाह रहे हैं, एक हमारे लिए पॉलिसी बने ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो खराब ना हो, क्योंकि हर साल में नर्सिस जो है वो मतलब 1 लाख कम से कम 1 लाख। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले का रिव्यू करने के लिए डीआईजी विजिलेंस जी शिवा कुमार शनिवार को हमीरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मामले की जांच से जुड़े सभी पहलुओं पर विजिलेंस के अधिकारियों से बातचीत की। पेपर लीक मामले में अब तक 5 FIR दर्ज हो चुकी है, जबकि 19 मामलों में जाँच जारी है। पेपर लीक मामले की जाँच का रिव्यू करने के दौरान उन्होंने सभी FIR की बारीकी से जाँच की। डीआईजी विजिलेंस जी शिवा कुमार ने कहा कि भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले की जांच का रिव्यू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक मामले में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, साथ ही 19 मामलों में जांच जारी है। उन्होंने कहा कि हर एक पहलू से मामले की जांच हो रही है तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो अभी इंक्वायरीज चल रही है पेपर लीक मामला में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है 5 केसेस में, इसका रिव्यू करने के लिए हमें पुनः आया है। अभी मीटिंग में हम रिव्यू करेंगे, जो भी होगा डायरेक्शन होगा मैं इनको दे दूँगा। सर, अभी और भी जो पोस्ट कोड है उनकी भी इंक्वायरी होगी? नहीं, पोस्ट कोड ऑलरेडी हमारे पास, जो पोस्ट कोड हमारे पास ऑलरेडी है इसमें इंक्वायरीज चल रही हैं, 19 इंक्वायरीज अभी चल रही है इसमें एक्टिवली। अभी FIR में 5 FIR अभी एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, सचिव पूर्व सचिव है, उनका नाम भी जोड़ा गया है एक FIR में, क्या गिरफ्तारी संभव है उनकी? हाँ, जो भी आएंगे किसी का अगेंस्ट जो भी एविडेंस मिलेगा उनके खिलाफ तो होगा कार्रवाई होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में शनिवार को सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सोलन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द करना षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सोलन शहर में प्रदर्शन कर इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा और मोदी सरकार घबरा गई है। आज लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, देश में तानाशाही का माहौल बनाया जा रहा है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप भी समझते हैं कि आज तक देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि विपक्ष ने अगर आवाज उठाई और सत्ता पक्ष उसको बिल्कुल उखाड़ने पे उतारू है। माननीय मोदी जी जो हैं वो तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। अगर संसद में माननीय राहुल जी ने प्रश्न पूछा और उनके दोस्त के बारे में पूछा, उस 48 समूह के बारे में पूछा जो आज संदेह के घेरे में है, तो क्या बुरा था? कहा तो चाहिए था कि उसका जवाब दिया जाता, लेकिन वो उनकी आवाज़ दबाने में तुने हैं, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए तुने हैं। हो सकता है संसद में वो चला लें, लेकिन देश में लोग जो है वो राहुल गांधी जी की आवाज़ के साथ खड़े हैं
आज इसी संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रदर्शन था, वो हमने किया और पूर्ण रूप से कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है, लोकतंत्र के साथ खड़ी है, देश में लोकतंत्र का माहौल बना रहे, यही कांग्रेस का लोकतंत्र की रक्षा हमारा, तो अगला कदम भी लोकतंत्र की रक्षा है, आज का कदम भी लोकतंत्र की रक्षा है। राहुल जी लोकतंत्र की आवाज़ है, इस लोकतंत्र को बनाने के लिए, कायम करने के लिए कांग्रेस ने बलिदान दिया है। नेहरू परिवार का इतिहास जो है वो बलिदान का है और लोकतंत्र की बहाली के लिए जो भी बलिदान देना होगा वो राहुल जी के नेतृत्व में हम देने के लिए तैयार हैं। क्षेत्रीय अस्पताल की कृष्णा लैब में लिपिड टेस्ट करने वाली किट खत्म होने से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को चार दिन बाद रिपोर्ट मिल रही है, इससे मरीजों के उपचार में भी देरी हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें जल्दी रिपोर्ट की जरूरत है, उन्हें टेस्ट के लिए मजबूरन निजी लैब के धक्के खाने पड़ रहे हैं। बता दें कि कृष्णा लैब को हाल ही में स्थापित किया गया है, लेकिन अभी से मशीनों के खराब होने और आवश्यक सामान के खत्म होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडल ने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के प्रबंधन को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को अस्पताल में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो थोड़े से केसेस बढ़े हैं वो चिंता का विषय तो है, कंसर्न है, इसलिए हमारा डिपार्टमेंट, हमारे CMO, हमारे BMO, हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो, और हमारा रैंक एंड फाइल तैयार है कि अगर कोई ऐसी हालत हो, बट हमने इन द मेन टाइम एडवाइजरी दी है एक या दो बार के जहां भीड़ के इलाके में जाएं मास्क पहने, हाथ को जब भी संभव हो बार बार धोएं, नाक को आंखों को बिना मतलब ना छुए। कहने का मतलब है कि हो सकता है कहीं से कांटेक्ट हो, क्योंकि कुछ केसेस राइज हुए, इसलिए हमें सभी को, सभी नागरिकों को एहतियात बरतना होगा। और जो बाहर से आदमी होते हैं उन्हें भी हाथ जोड़ कर बताना होगा कि यहाँ पे हम जो है फॉलो करेंगे अपने दिए गए गाइडलाइन को। यहाँ क्या जल्द मास्क जी, क्या मास्क? यस यस, आई थिंक इफ केसेस आर ऑन राइज तो वी विल हैव टू मेक इट मैंडेटरी एवरीवेयर, एवरी स्कूल, एवरी शॉप, एवरीवन वॉकिंग। ठीक है, नहीं नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम में तो और मैंडेटरी होगा, कोई भी कार्यक्रम होगा वहाँ पे मास्क लगेंगे और भीड़ भाड़ से सोशल डिस्टेंसिंग होगी, 2 मीटर का जो है वो मापदंड भी फॉलो करना पड़ेगा, वो भी शीघ्र होगा। और हमारे केसेज एक्सीडिंगली राइज किया था सर, इसके अलावा आपकी रिपोर्ट। ओके, क्या हिदायत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोरोना के केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और अगर हम पिछले अपने 15 दिन का ग्राफ देखें तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, पर सिर्फ इसमें जो राहत का विषय है वो ये है कि जितने भी मरीज हैं वो सारे सामान्य हैं और माइल्ड केसेस हैं और होम आइसोलेट, तो ये हमारा राहत का विषय है। पर साथ में पब्लिक को हम ये भी कहना चाहेंगे इस बीमारी को हल्के में मत लें और जैसे ही उनको कोई भी सिम्टम होता है वो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और अपने टेस्ट अवश्य करें। अब जैसे प्रशासनिक अधिकारी इसमें हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट रीजनल थे डॉक्टर एस एल वर्मा, वो भी आज पॉजिटिव पाए गए हैं, और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर मैडम हैं कृतिका भाटी जी, वो भी आज इसमें पॉजिटिव पाए। सर जो ऐसा प्रोटोकॉल है जी जो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ लोग साथ रहेंगे पर उसमें भी सिम्टोमेटिक का हम वेट करते हैं कि सिम्टोमेटिक के सैंपल्स हैं और बाकी को ध्यान देते हैं कि वो कुछ दिन अपने आप को आइसोलेट कर लें, अगर 2-3 दिन में उनको सिम्टम आते हैं तो वो आके हमारे साथ टेस्ट करें। कितने दिन तक दिन होते कोई नई गाइडलाइन? गाइडलाइन तो अभी मतलब कोई ऐसा सच उसमें एक नई बात नहीं है, पुरानी बातें सारी चल रही हैं जो अभी तक हमने छोड़ी नहीं है। एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब इसका मतलब है कि भीड़ भाड़ वाले वाले इलाके में नहीं जाना, जाना पड़े तो आप मास्क लगाइएगा, सोशल डिस्टेंस रखिएगा और बार बार हाथ धोइए। क्या है सर उसमें, क्या कर रहे हैं और क्यों? फॉगिंग जैसे हमारी रूटीन फॉगिंग हर साल होती है बहुत। तो सर कृष्णा लैब ने RS16 में हब बनाना, नालागढ़ हब बनाना और हमारे जैसे धर्मपुर में हब बनना था और ये कंडाघाट में हब बना, ऐसे ही सब हब्स बनाए। इन्होंने 2 ही हब बनाए, एक इन्होंने नालागढ़ बनाया, एक RS16 में बनाया, बाकी सारे इन्होंने कलेक्शन सेंटर्स बनाए, तो वहाँ से कलेक्ट करके थर्ड हब में जाता है, तो रिपोर्टिंग में 3 से 4
करोगे? नहीं पर सर हमारे को वो भी नहीं है, क्योंकि जैसे किसी ने शुगर करवाया है, किसी ने किडनी का टेस्ट करवाया सर, तो ऊपर पहुंच जाएगा सर, रिपोर्ट जल्दी होनी चाहिए, पड़ जाना उसके लिए हमने लेटर भी इशू किया है, प्रेस में भी परसों आया, प्रेस की भी कटिंग के अगेंस्ट में नहीं सर कृष्णा के साथ तो एमओज है ना, गवर्नमेंट का है ना सर, गवर्नमेंट का है, इफ पॉसिबल इट शुड बी विदिन थ्री नहीं सर वो मैंने कर दिए, और क्योंकि जब तक ये हब्स आपने प्रॉपर नहीं बनाएंगे सर तो संकट ये बहुत दूर नहीं है। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।